गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हमने हिंदी में चैप्टर नंबर 8 पूरा रीड कर लिया था। क्या था चैप्टर का नाम? पटाखों से तौबा। आपको समझ में आया था चैप्टर अच्छे से? चलिए, कल क्या सीखा था हमने कि हमको पटाखे नहीं जलाने चाहिए। तो चलिए हम आज उसी चैप्टर्स की वर्ड मीनिंग को लर्न करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वर्ड्स को पढ़ेंगे। तो देखिए ये क्या लिखा है, मध्याविकाश। क्या है? मध्याविकाश। अभिवादन, मिश्रण। मध्याविकाश, अभिवादन, मिश्रण। अब हम इनके अर्थ को पढ़ते हैं। मध्याविकाश आदि छुट्टी, आदि छुट्टी। अभिवादन, अभिवादन के दो अर्थ हैं, कौन से? प्रणाम या नमस्कार, प्रणाम या नमस्कार। मिश्रण का क्या अर्थ है? दो या दो से अधिक चीज़ों का मेल। क्या अर्थ है? दो या दो से अधिक चीज़ों का मेल। मध्याविकाश आदि छुट्टी, अभिवादन प्रणाम या नमस्कार, मिश्रण दो या दो से अधिक चीज़ों का मेल। तो मध्याविकाश को हम क्या कहेंगे? आदि छुट्टी। समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से? मध्याविकाश का अर्थ क्या है? आदि छुट्टी। अभिवादन प्रणाम या नमस्कार करना, मिश्रण दो या दो से अधिक चीज़ों का मेल। तो चलिए अब हम इनका मतलब समझते हैं। मध्याविकाश का मतलब क्या होता है? आदि छुट्टी। जैसे आप स्कूल में आते हैं, है ना, स्कूल में लंच होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मध्याविकाश। आधी छुट्टी मिलती है आपको थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद आपका काम फिर से स्टार्ट हो जाता है, है ना। तो मध्याविकाश का अर्थ क्या है? आधी छुट्टी। अभिवादन प्रणाम या नमस्कार, हमें अपने बड़े से हमेशा नमस्कार या उनका अभिवादन करना चाहिए, है ना। जैसे आप लोग स्कूल आते हो तो सारे टीचर्स को क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग मैम, नमस्ते मैम, है ना। तो अभिवादन प्रणाम या नमस्कार, मिश्रण दो या दो से अधिक चीज़ों का मेल। देखिए आपने देखा है किचन में मम्मी कुछ भी चीज़ बनाती हैं, तो जैसे चाय बनाती हैं तो चाय में क्या क्या डालती हैं? चाय की पत्ती डालती हैं, चीनी डालती हैं, तो वो सारा क्या हो जाता है? चाय का मिश्रण हो जाता है ना। चाय तैयार करने के लिए वो सारा क्या होता है? चाय का मिश्रण होता है, ठीक। तो मध्याविकाश आदि छुट्टी, अभिवादन प्रणाम या नमस्कार, मिश्रण दो या दो से अधिक चीज़ों का मेल। तो आपको ये सब समझ में आ रहा है ना अच्छे से? तो शब्दार्थ लर्न हुए? एक बार फिर से करते हैं रिवाइज। मध्याविकाश आदि छुट्टी, अभिवादन प्रणाम या नमस्कार, मिश्रण दो या दो से अधिक चीजों का मेल। आगे बढ़े, चलिए देखिए आपके जो अगले शब्दार्थ हैं वो क्या हैं। चलिए जल्दी से पहले इनको पढ़ते हैं। विषैली, विषैली, हानिकारक, क्षय रोग, घातक। विषैली, हानिकारक, क्षय रोग, घातक। तो विषैली का अर्थ क्या है? विष से युक्त। इसके दो अर्थ हैं, विष से युक्त या जहरीली, विष से युक्त या जहरीली। हानिकारक, नुकसान पहुंचाने वाला, हानिकारक, नुकसान पहुंचाने वाला। क्षय रोग, तपेदिक। क्या बोलेंगे? तपेदिक। घातक, मारने वाला, घातक, मारने वाला। तो अब हम इनको समझते हैं। विषैली, जहरीली, पटाखे के अंदर विषैली गैसें भरी जाती हैं ना, तो वो जहरीली होती हैं, जिस जो हमारे अंदर पहुंचती हैं और जिससे हम घातक हो जाते हैं, यानी मरने लगते हैं, मारने वाला, ठीक।
हानिकारक नुकसान पहुंचाने वाला। हानिकारक का मतलब क्या होगा? नुकसान पहुंचाने वाला। जो हमारे पटाखे होते हैं, अगर हम पटाखों को जलाएंगे तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। क्षय रोग तपेदिक, इसका क्या मतलब होता है? आपने एक बीमारी सुनी है, टीवी सुना है, तो टीवी को हिंदी में तपेदिक बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं। टीवी में खांसी होती है ना, बहुत जोर से, तो क्षय रोग को क्या बोलेंगे? तपेदिक। विषैली का अर्थ क्या है? विष से युक्त जहरीली हानिकारक नुकसान पहुंचाने वाला क्षय रोग तपेदिक। घातक मारने वाला, घातक मारने वाला। तो जल्दी से आप इनको लर्न करिए। विषैली, विष से युक्त या जहरीली हानिकारक नुकसान पहुंचाने वाला क्षय रोग तपेदिक। घातक मारने वाला, घातक मारने वाला। समझ में आया आपको? तो फिर से बोलिए मेरे साथ, विषैली, विष से युक्त या जहरीली हानिकारक नुकसान पहुंचाने वाला क्षय रोग तपेदिक, घातक मारने वाला। आगे बढ़े, चलिए देखिए क्या लिखा है। पटाखे बेलनाकार वनस्पति। चलिए अब हम इनके अर्थ को पढ़ते हैं। पटाखे का अर्थ क्या है? आतिशबाजी में धमाके से फूटने वाली वस्तुएं। आतिशबाजी में धमाके से फूटने वाली वस्तुएं। आप पटाखे का मतलब तो जानते हो, है ना? ये मुझे समझाने तो है नहीं है, आपको तो पता है कि पटाखे क्या होते हैं। बेलनाकार, बेलन के आकार का। सिलेंडर बोलते हैं ना, सिलेंडर जैसे शेप का होता है उसको बोलते हैं बेलनाकार। वनस्पति पेड़ पौधे, पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? वनस्पति। ठीक, तो अब बस हमें क्या करना है? आपको तीनों का मतलब पता है, बस अब हमें इनको लर्न करना है, तो जल्दी से लर्न करते हैं। पटाखे आतिशबाजी में धमाके से फूटने वाली वस्तुएं। पटाखे का क्या अर्थ है? आतिशबाजी में धमाके से फूटने वाली वस्तुएं। पटाखे आतिशबाजी में धमाके से फूटने वाली वस्तुएं। बेलनाकार, बेलन के आकार का। बेलनाकार, बेलन के आकार का। वनस्पति पेड़ पौधे। वनस्पति का अर्थ क्या है? पेड़ पौधे। पटाखे का अर्थ क्या है? आतिशबाजी में धमाके से फूटने वाली वस्तुएं। बेलनाकार, बेलन के आकार का। वनस्पति पेड़ पौधे। तो आपको तो ये जल्दी से लर्न हो गए होंगे, है ना? तो क्या आगे बढ़े? चलिए देखिए, अब बस आपके दो वर्ड मीनिंग और रह गए हैं, तो जल्दी से इनको भी लर्न कर लीजिए। क्या है वर्ड आपका? परावैगनी किरणें। क्या है? परावैगनी किरणें। सेकंड क्या है? मुसीबत। परावैगनी किरणें किसको कहते हैं? मैं बता चुकी हूँ ना चैप्टर जब हम रीड कर रहे थे, जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें होती हैं उनको बोलते हैं परावैगनी किरणें। परावैगनी किरणें किसको बोलते हैं? इसका अर्थ क्या है? सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें। मुसीबत परेशानी, ये तो आप जानते होंगे। मुसीबत का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? मुसीबत। ठीक, परावैगनी किरणें सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें। परावैगनी किरणें सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें। मुसीबत परेशानी, मुसीबत परेशानी। परावैगनी किरणें सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें। मुसीबत परेशानी। तो जल्दी से मुझे बताइए, परावैगनी किरणें का क्या अर्थ है? सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें। मुसीबत परेशानी। तो आपको सारे वर्ड मीनिंग्स लर्न हुए, तो जल्दी से इनका एक बार रिवाइज कर लें। चलिए फटाफट से देखिए, जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलिए। मध्याविकाश आदि छुट्टी, अभिवादन प्रणाम या नमस्कार, मिश्रण दो या दो से अधिक चीजों का मेल। विषैली, विष से युक्त जहरीली हानिकारक नुकसान पहुंचाने वाला
क्षय रोग तपेदिक घातक मारने वाला। पटाखे आतिशबाजी में धमाके से फूटने वाली वस्तुएं। पटाखे आतिशबाजी में धमाके से फूटने वाली वस्तुएं। बेलनाकार बेलन के आकार का। वनस्पति पेड़ पौधे। वनस्पति पेड़ पौधे। पराबैंगनी किरणें सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें। मुसीबत परेशानी। तो आपको ऑल वर्ड मीनिंग्स लर्न हुए। तो अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है कि आपको हिंदी में चैप्टर नंबर 8 के ऑल वर्ड मीनिंग्स आपको अपने होमवर्क नोटबुक पे लिखने हैं। ओके, तो अब मैं आपको कल मिलूंगी। गुड बाय।